कहाँ से आया है ये? किसी अस्पताल से आया है सुल्ताना। ठीक है, आप जा सकती हैं। लड़की ने अपनी आंखें खोल ली हैं और होश में आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिदार सुल्तान, ये वक्त इतना भी अच्छा नहीं है कि शुक्र अदा किया जाए। आपके शौहर बिस्तरे मर्ग पर हैं। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे खुशी हो या फिर गम। शुक्र अदा करने के साथ साथ गुनाह की माफी भी मांगनी चाहिए। जिस रात हमारे सुल्तान को जहर दिया गया, आप उस रोज महल में मौजूद नहीं थी। कहां गई थी? आपको जवाब देने के पाबंद नहीं है हम। हमें आपसे सवाल करने का पूरा हक है। अभी हरम का इंतजाम हमारे हाथ में है, शायद फिर किसी वजह से महल से बाहर जाना पड़ जाए, इसीलिए आपके साथ एक मुहाफिज तैनात कर देते हैं आपकी भलाई के लिए। आप अपने काम से काम रखिए सनेहा सुल्तान, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए बिदार सुल्तान, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। फकत इसलिए हमें जिम्मेदारी दी गई क्योंकि आप नाकाम रही। वो आसन नामी लड़की जहर अपने साथ नहीं ला सकती। यकीनन उसे जहर किसी ने बाहर से लाकर दिया होगा, और जहर उस वक्त लाकर दिया गया जब हरम सरा की आप जिम्मेदार थी। उस लड़की को जहर हमने लाकर दिया था सनेहा सुल्तान, यही कहना चाहती है ना? आखिर आप हमसे चाहती क्या है? हकीकत। हकीकत जानना चाहती हैं आप? तो फिर आज शाम आप हमारे साथ चलिए, आपका सामना हकीकत से करवाते हैं हम। अब आप मुझे बताएंगे कि कहां लेकर जा रही हैं बिदार सुल्तान? सब्र करें जरा। यही रुकिएगा। आप बाहर जाइए। आइए हमारे साथ। कौन है ये? महल में जिस पर कातिलाना हमला हुआ था, मकबूला। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जिंदगी देने वाला अल्लाह है, बहुत बेहतर है इसकी तबीयत। बंद आंखों को देखकर गलतफहमी में मत पड़ जाना, जल्द ही ये ठीक हो जाएगी और बता देगी कि महमूद पाशा ने इसे इस हालत तक पहुंचाया। इसे कहते हैं हकीकत। क्या हुआ? इस लड़की को जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, इसे जिंदा देखकर हमें खुशी क्यों नहीं होगी? अल्लाह इसे जल्द सेहतियाब करे। लेकिन हम एक बात पर बहुत ज्यादा हैरान हैं। कहिए आखिर वो क्या बात है? वहां सुल्तान को जहर दिया गया और हकीकत दिखाने के लिए आप हमें यहां लेकर चली आई बिदार सुल्तान। तो आपकी ये हैरत भी दूर कर देते हैं हम। सनेहा सुल्तान, सुल्तान को जहर नहीं दिया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। कैसे? तो महल में वो सब, वो तबीब? बिल्कुल, मंसूबा तो सुल्तान को जहर देने का था, लेकिन बरवक्त रास फाश हो गया। ये खबर क्यों फैलाई कि उन्हें जहर दिया गया है? ताकि गद्दार गाफिल हो जाए और हमारे इस जाल में फंस जाए, और इस तरह सबके सामने आश्कार हो जाए। हम और हमारे शौहर सुल्तान मुराद की तख्त नशीनी की राह हमवार करेंगे।
इसी में सबकी भलाई है खदीजा। बाबा को राजी कर लीजिए, काफी है। बताइए करेंगी ना? स्नेहा सुल्तान, हैरान हो गई ना आप? असल हैरत तो तब होगी जब ये होश में आकर महमूद पाशा के खिलाफ बयान देगी कि कातिलाना हमला करने वाला कौन था। बेदार खातून, एक बीमार लड़की दिखाकर इल्जाम लगा रही हैं कि इसने हमारे शोहर का नाम लिया और उम्मीद करती हैं कि हम यकीन कर लें। आप आखिर चाहती क्या हैं? खामोश होकर बैठिए खातून, मैंने कहा बैठ जाइए। हम पूछ रहे हैं कि आप हमसे क्या चाहती हैं। पहले ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं। आप ये नहीं चाहती कि ये लड़की महमूद पाशा के साथ साथ आपका भी नाम आश्कार कर दे, ऐसा ही है ना? हमें इस लड़की से कोई लेना देना नहीं। होना भी ऐसा ही चाहिए कि आपका कोई लेना देना ना हो, ना हरम के साथ, ना महल के साथ, और ना ही सुल्तान के साथ। स्नेहा सुल्तान, बेहतर होगा हरम का इंतजाम मेरे हवाले कर दे। ऐसा क्यों करें हम? क्योंकि आपकी भलाई इसी में है। आप अपने शोहर को बचाने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर सकती हैं। सुल्तान को बहन की गद्दारी की वजह से शर्मिंदा होते नहीं देख सकते हम। ठीक है, आज से हरम आपकी जिम्मेदारी। लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि किससे उलझ रही हैं। तैयार हो जाइए, आपकी आंखों पर पट्टी दोबारा बांधी जा रही है। हम वापस महल जाएंगे और आप जिस तरह आई थी उसी तरह वापस जाएंगी बगैर कुछ देखे। बेदार खातून, याद रखिए, बहुत जल्द फातिमा पसंद खातून महल तशरीफ ले आएंगी। हरम का इंतजाम अकेले आपके जिम्मे नहीं रहेगा। कौन है वो? स्नेहा सुल्तान। उन्हें आप यहाँ क्यों ले आई? बेफिक्र रहिए, उन्होंने ना रास्ता देखा है ना आपको, वो खुद से यहाँ कभी नहीं पहुंच सकती। ये लड़की जिंदा है, आपने इसे क्यों बता दिया? अगर इसने महमूद पाशा को बता दिया तो वो इस लड़की को तलाश कर ही लेगा। ये लोग हमारे साथ बहुत से खेल खेल चुके हैं मेहमत, अब खेल खेलने की बारी हम लोगों की है। क्या करना चाहती हैं आप? देखिए भाई, महमूद पाशा की गद्दारी का मामला सुल्तान खुद देख लेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि स्नेहा सुल्तान अपने शौहर के साथ मिली हुई है या नहीं। ये बात जानना बहुत जरूरी है, और आप भी जरा मोहतात रहिएगा। इस रूपोशी से तंग आ चुका हूँ मैं। तो ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ महल वापस चलिए और इस लड़की के होश में आने तक जिंदान में रहिए। देखिए मेहमत भाई, सब लोग आपकी तलाश में हैं, जब तक ये लड़की होश में आकर अपना बयान नहीं दे देती आपको रूपोश ही रहना है। जाइए। बहुत जच रहा है आप पे स्नेहा सुल्तान, चले चलते हैं।